हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको क्या कराने जा रहे हैं। मैं आज नीट और जेई मेंस के लिए रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नीट और जेई मेंस 2020 के लिए रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। करीब हम लोगों के पास 2 मंथ्स का टाइम, तो ये जो 2 मंथ्स का टाइम है, इस टाइम को हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी प्लान की। स्ट्रेटजी क्या प्लान की है कि हर चैप्टर का एक हम आपको कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन कराएं। क्विक रिवीजन के बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आ चुके हैं या आ सकते हैं उस टाइप के, उनको हम लोग रिवाइज करें। इसके बाद हम उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड एक टेस्ट प्लान करें, और वो जो टेस्ट है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर के आप उस टेस्ट को ले सकते हैं, टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, उस नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, तो रिवीजन स्टार्ट करना। रिवीजन में बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से, जनरल फिजिक्स। ठीक, चलिए मैं वहीं से स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स में दो टॉपिक आते हैं। जनरल फिजिक्स में दो टॉपिक है, एक टॉपिक है आपका, है ना, डायमेंशन या एनसीईआरटी के हिसाब से लिखने, यूनिट एंड मेजरमेंट। और दूसरा जो टॉपिक इसमें है वो है वेक्टर्स। ये मैंने दो टॉपिक जनरल फिजिक्स में रखे हुए हैं। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का और दूसरा चैप्टर है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होता है अगर आप देखें तो, वेक्टर्स कोई टॉपिक अलग से नहीं है। ये जहां भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, उन सब जगह वेक्टर्स का इस्तेमाल होगा। तो ये जनरल फिजिक्स है, वही यार इसका है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट जो है कोई एक क्वांटिटी ही नहीं, एक चैप्टर नहीं है, ये जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज मिलेंगी हर जगह ये यूनिट का टॉपिक आपको मिलेगा, हर जगह ये यूनिट का टॉपिक मिलेगा, और उस टॉपिक को आपको वहां पर रिवाइज करना पड़ेगा, वहां आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोनों जनरल फिजिक्स के टॉपिक हैं। एक इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करेंगे, अगले में फिनिश करेंगे वेक्टर। ओके, स्टार्ट कहां से करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, और तीसरा जो दूसरा पार्ट इसका आएगा वो होगा वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में फिनिश करेंगे। ये दो लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लान किया है, दो लेक्चर होंगे। एक लेक्चर में पहला यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करके और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर पर फिनिश करेंगे। तो वी आर स्टडी जनरल फिजिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट किया। तो हेडिंग क्या है हमारी, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चंस फ्रेम किस किस टॉपिक पर होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो डायमेंशंस पर होता है। ओके, जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो डायमेंशंस पर होता है। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है इस पर वो होता है इसमें डायमेंशंस के बाद एरर्स का, और तीसरा टॉपिक इसमें होता है इंस्ट्रूमेंट्स, और चौथा टॉपिक इसमें होता है वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स पहला किसका है, डायमेंशंस का, एरर का, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में देखिए ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, Not important for NEET, और ये important होता है for JE, important for JE mains। ओके, JE के लिए important, तो जो बच्चे JE के लिए तैयारी करेंगे वो instruments जो है थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। Instruments में भी दो instrument है, एक vernier caliper है, एक screw box। Instruments दो है, इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर आपको दो मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स में दो हैं। एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर है
वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसमें स्क्रू गॉज। ये दो इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसमें दो चीजें पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है इसमें? पहला पूछा जाता है लीस्ट काउंट, और दूसरा इसमें पूछा जाता है रीडिंग। ठीक है ना, रीडिंग लेना। कोई भी आपको एक डायग्राम दे देगा, उस डायग्राम को देख करके आपको रीडिंग बतानी होगी, या कोई क्वेश्चन में लिख देगा रीडिंग बतानी। तो लीस्ट काउंट और रीडिंग, ये दो पर क्वेश्चन आते हैं। हम आपको क्वेश्चन करा देंगे जो जेई में आया हुआ है, तो आपसे आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आइए हम स्टार्ट कौन से टॉपिक से करेंगे? डायमेंशन से। पहला जो टॉपिक हमारा है वो कहां से स्टार्ट करेंगे? बोलिए, डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट किया जाए। डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस में पहला जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो होता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस आपको याद करने पड़ेंगे, जिनके चांसेस ज्यादा है। हालांकि बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, आप अगर देखेंगे चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है लास्ट में, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम चांसेस किन क्वांटिटीज के हैं वो बताऊंगा। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। दूसरा इसमें क्वेश्चन होता है डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ठीक। अब कई बार ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला लिखा, कई बार ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला लिखा होगा और उसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे नाम लिखे होंगे, और पूछ लेगा इसका डायमेंशन बताओ, एक्स का, ए का, बी का। तो वो सेकंड पार्ट जिस पर क्वेश्चन आते हैं। ओके, तीसरा जो पार्ट इसमें है वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ओके, जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। पहला पार्ट कौन सा है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा पार्ट कौन सा है? डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी। तीसरा पार्ट कौन सा है? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो ये टोटल हमारे कितने पार्ट होते हैं? बोलो टोटल कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले एडिट डाल लीजिए डायमेंशंस ऑफ फिजिकल, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये नोट करिए। ये तीन जो है क्वेश्चन फ्रेम होने का पार्ट है। ठीक, चलिए अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहला जो पार्ट है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें भी मैं आपको बताऊं दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो होता है जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशंस पूछते हैं, पहला। और दूसरे जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से जो रिलेटेड डायमेंशन है वो पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वांटिटीज के नाम लिख रहा हूं, मैं कुछ क्वांटिटीज के नाम लिख रहा हूं, उन क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको याद कर लेने।
ओके, कुछ के मैं बता दूंगा करके और बाकी की आप देख करके याद कर लेंगे। कौन कौन सी क्वांटिटीज है देखिए, सबसे पहले इसमें जो क्वांटिटी है वो है यूनिवर्सल, ठीक है, सबसे पहले जो क्वांटिटी इसमें है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी सबसे पहली क्वांटिटी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हो गया। इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है सेकंड, इसमें वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ठीक। तीसरी जो क्वांटिटी इसमें आएगी वो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, इसको स्मॉल केस में। देन प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच से लिखते हैं। देन वीन्स कांस्टेंट, वी से लिखते हैं। देन स्टीफंस कांस्टेंट, सिग्मा से, और एक कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से, ओके। तो इतने कॉन्स्टेंट कौन कौन से, पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, स्टीफंस कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो बड़ा फेमस है, इसका डायमेंशन तो आप सीधे याद कर सकते हो, ml माइनस वन टी माइनस वन, ईटा का जो डायमेंशन होता है ml माइनस वन टी माइनस वन होता है, ईटा इज इक्वल टू ml माइनस वन टी माइनस वन, ओके। चलिए अब मैं आपको कुछ के डायमेंशन इसमें निकाल के बताता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं प्लैंक्स कांस्टेंट का, वीन्स कांस्टेंट का, इसका, इन तीन का मैं निकाल लूंगा, ठीक है, इन तीन के मैं डायमेंशन आपको निकाल के बता रहा हूं, कौन कौन से, प्लैंक्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट और स्टीफंस कांस्टेंट। देखते जाइए, प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही है, एच से लिख सकते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगता है इसमें, इक्वल्स टू एच न्यू, ये क्या होता है बेटा, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जानते हो वन अपॉन टाइम पीरियड या टी माइनस वन होता है, ठीक। अब देखो यहां से अगर एच निकालोगे तो एच आएगा ई अपॉन न्यू, अच्छा एनर्जी का जो डायमेंशन होता है आपको जानकारी होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अब यहां रख तो ये आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टी माइनस वन, ओके। फ्रीक्वेंसी जो होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हम लोगों ने ले लिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, अब ये टी माइनस वन से टी माइनस टू कैंसिल, तो जो एच का डायमेंशन आया ये आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ओके नोट कर। प्लैंक्स कांस्टेंट, एक बात और याद रखिए, जो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन से मैच करता है, ठीक है, ओके। और ये हमें कैसे पता चला, एमवीआर का फॉर्मूला होता है
एन एच अपॉन टू पाई। ये बोर्स क्वांटाइजेशन रूल है, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल कहलाता है, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बोर्स क्वांटाइजेशन, ये हमारा बोर्स क्वांटाइजेशन रूल कहलाता है। हो गया, बोर्स क्वांटाइजेशन। हो गया, इसके बाद आइए वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट बी से लिखते हैं, वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये रेडिएशन में आता है, रेडिएशन चैप्टर में आएगा। और फॉर्मूला क्या यूज होता है इसके लिए, लैम्डा एम इक्वल्स टू बी अपॉन टी। क्या फॉर्मूला यूज होता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू बी अपॉन टी। लैम्डा एम क्या होता है बेटा, वेवलेंथ, ठीक है। और टी यहां क्या होता है, टेम्परेचर। ओके, अब यहां से देखो बी का अगर डायमेंशन लेंगे तो क्या आएगा, लेमडा एम इंटू टी आए, तो लेमडा एम लेंथ हो गया और टेम्परेचर के लिए के लिखते, टेम्परेचर के लिए के लिखते हैं या कई लोग थीटा लिखते हैं। ओके, के मतलब के लिखते, ये होता है वीन्स कांस्टेंट, रेडिएशन में आएगा। और ये देखो वेवलेंथ हो गई लेमडा ए बी अपॉन टी, लेमडा ए बी अपॉन टी, ये हो लेमडा ए बी अपॉन टी, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टीफंस कांस्टेंट, स्टीफंस कांस्टेंट सिग्मा। स्टीफंस कांस्टेंट में क्या होता है, ई इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर फोर। व्हाट इज दिस ई, ये होता है इमिसिव पावर, और इसका मतलब होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। ओके, और टी क्या है, टेम्परेचर। ये पूरा जो लॉ है इसका नाम है स्टीफंस बोल्ट्जमैन, इसका नाम होता है स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ, ये इसका नाम स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ है। तो इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर, इक्वल्स टू सिग्मा टी टू दी पावर। अब यहां से देखो, अगर सिग्मा का निकाले e अपॉन e की पावर फोर, तो यहां से सिग्मा का डायमेंशन है e, इसका क्या होगा, देखो एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर टाइम का टी, ये कैंसिल, तो ये आएगा एम टी माइनस टी। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, ये एम टी माइनस टी डिवाइडेड टी टेम्परेचर है तो केल्विन की पावर फोर, तो ये आ जाएगा एम टी माइनस थ्री और के की पावर माइनस फोर, ये। ओके, तो ये सिग्मा, सिग्मा का जो डायमेंशन है वो, तो सिग्मा का डायमेंशन ये है एम टी माइनस थ्री के माइनस फोर, ये इसका डायमेंशन। स्टीफंस कांस्टेंट, इसका क्या नाम है, स्टीफंस कांस्टेंट कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड स्टीफंस कांस्टेंट, ये हमारा स्टीफंस कांस्टेंट बेटा है। तो ये देख, ये मैंने आपको कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशन बताए, ठीक है, रिवीजन है फिर कह रहा हूं, रिवीजन में आपको पूरा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक आपको आउटलाइन दे रहा हूं, क्या पढ़ना है ये बता दूंगा, आउटलाइन दे दूंगा, कुछ क्वेश्चन करा देंगे, बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे और हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा तरीका, टेस्ट देंगे। इसके अलावा इस समय कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी में जाकर के पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने साल भर पूरे साल की तैयारी की है, प्रॉपर प्रिपरेशन किया हुआ है, तो आपको
लास्ट में पूरा चैप्टर थॉरली रिवाइज नहीं करना है, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई की जाती है, जिन क्वेश्चंस में दिक्कत हो उससे रिलेटेड थ्योरी का पार्ट रिवाइज करिए। ओके चलिए अब आइए इसके बाद आइए कुछ और क्वांटिटीज के डायमेंशन में बताते हैं। जैसे एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैं आपको डायमेंशन बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बताते हैं तो इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू ई, या इक्वल्स टू सीधे लिख दें F अपॉन क्यू। ओके अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन है F फोर्स का होता है MLT-2, क्यू का क्या डायमेंशन होगा, क्यू का डायमेंशन होगा A इंटू टी, ये क्यू का डायमेंशन हो गया तो ये आया E इक्वल्स टू, ये हो गया एम। ओके एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। देखो चार्ज जो होता है करेंट इंटू टाइम, चार्ज क्या होता है करेंट इंटू टाइम, करेंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी, और फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहां से आ गया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके उसके बाद अगला डायमेंशन है परमिटिविटी का, परमिटिविटी एप्साइलन से लिखते हैं। परमिटिविटी की जो यूनिट है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ये। यहां पर जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो कूलम स्क्वायर ये आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन एम एल टी माइनस टू और ये आएगा एल स्क्वायर। ओके ये एप्साइलन है। अब यहां से देखो ये एम गया ऊपर एम माइनस टू, एल की पावर थ्री तो एल की पावर माइनस थ्री, फिर ये वो टी गया ऊपर टी की पावर फोर और ए स्क्वायर। ये आपका परमिटिविटी की डायमेंशन है, इसको कहते हैं एप्साइलन, सिंबल का नाम है एप्साइलन, या इसको बोलते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का डायमेंशन एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए स्क्वायर। ये ओके अब एक बार क्वेश्चन आया था नीट में क्वेश्चन आया था, हालांकि आईआईटी में भी पहले आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन, समझ में आया। चलिए करते हैं तो ये आ जाएगा हाफ का तो कोई डायमेंशन होना नहीं, एप्साइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी का डायमेंशन ये आ जाएगा, क्या मिलेगा एम माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री की पावर फोर और ए स्क्वायर। ओके ये किसका डायमेंशन होगा बताओ, परमिटिविटी का, और ई स्क्वायर, ई का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो भाई, तो ये आएगा क्या एम स्क्वायर इनटू करके लिख रहे हैं एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस सिक्स और ए माइनस टू। ये ठीक यहां से क्या मिला, इसका स्क्वायर करना तो एम स्क्वायर ये क्या है एल स्क्वायर टी की पावर माइनस सिक्स ए की पावर माइनस टू। अगेन इसमें क्या मिला आपको एम माइनस वन एम स्क्वायर, एक एम बचे, एल की पावर क्या है यहां पर माइनस थ्री, यहां पर स्क्वायर एल की पावर माइनस वन। ओके टी फोर यहां पर माइनस सिक्स तो माइनस टू और ए स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाए, ये क्या मिल रहा है ये डायमेंशन जो आपको मिल रहा है एल एल माइनस टू और एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन किसका मिल रहा है ठीक है हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन पूछा गया था ये। ओके ऐसे अब सुनिए ये तो बात होगी डायमेंशन से बताने की, अगर आपने पूरा थॉरली चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है तो आपको याद होना चाहिए
कि हाफ एप्साइलन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप बताइए एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल क्यू, ये देखो कैंसिल, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वही आ गया, ये होता है। तो डायमेंशन में आपको अगर सीधा फॉर्मूला कोई पूछ रहा है तो ध्यान से देखो, कहीं आपको पढ़ा तो नहीं, क्लियर हो रहा है, कहीं आपने पढ़ा तो नहीं रखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये किसका डायमेंशन होता है? एनर्जी डेंसिटी। क्लियर हो रहा है, ये नोट कर लीजिए। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आइए, अगला मैं आपको बताता हूं वो है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस सी से लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला देखो, एनर्जी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, तो यहां से सी क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टू यू मिलेगा। अब देखो C का जो डायमेंशन है वो क्या मिलेगा, ये आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू का तो कुछ होगा नहीं, एनर्जी का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहां से क्या हो गया, देखो C का जो डायमेंशन है क्या हुआ, यहां से एम माइनस वन, एम माइनस वन एल की पावर माइनस टू, ये ऊपर ले जाना एम माइनस वन एल की पावर माइनस टू टी की पावर फोर और ए स्क्वायर, ये डायमेंशन सी का। जैसे देखो यू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, सी यहां ले जाइए, यू यहां ले जाइए, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन किसका हो गया है? कैपेसिटेंस का डायमेंशन है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये डायमेंशन हमारा किसका है? कैपेसिटेंस। ओके, ये डायमेंशन कैपेसिटेंस का। इसके बाद अगली क्वांटिटी कौन सी ले, रेजिस्टेंस। अगली क्वांटिटी हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस, आर से लिखा है, ठीक है। अगली क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। यहां से R बराबर हो गया एच अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। ओके, तो ये आएगा R इक्वल्स टू एच, एच हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो बेटा हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कोई भी हो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये क्या हो गया आई स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर टाइम के लिए टी। ओके, अब ये यहां लेके तो इसको अगर यहां ले आए ये क्या होगा R इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और a माइनस टू। ये देखो t गया ऊपर, माइनस टू पहले से था माइनस थ्री, तो ये R का डायमेंशन। ये कैपेसिटेंस का है, ये किसका है? R। अब मैंने क्यों दोनों को साथ में लिखा है, जरा इनको मल्टीप्लाई कर, R और C को मल्टीप्लाई कर। देखो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये प्लस का फोर, ये माइनस का थ्री, एक टी बचेगा, केवल एक टी बचेगा। आया समझ में कि नहीं आया? आर और सी का जो प्रोडक्ट है इसका डायमेंशन टी से मैच करता है, और जानते इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट, इसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। आर और सी इसका जो डायमेंशन है टाइम कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। ओके, तो ये आर और सी।
इसके बाद आइए अगला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिख सकते हैं, ओके। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाइएगा एफ इक्वल्स टू आई एल बी, ये लगाइए तो यहां से बी क्या मिलेगा एफ अपॉन आई एल, तो बी का क्या डायमेंशन होगा एफ, एफ का है एम एल टी माइनस टू, आई का हो गया ये एल का एल, एल से एल कैंसिल, ये क्या मिला एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये बी हो। नोट कर लिए ये बी का डायमेंशन। ओके ये डायमेंशन इसका बी। अब इसके बाद आइए अगला डायमेंशन है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का डायमेंशन है, परमिएबिलिटी को म्यू से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो दो वायर हैं, एक में करंट आई वन है एक में आई टू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो एफ इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन डी इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है, ओके। अब यहां से देखो एफ का क्या डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, न्यू नॉट का हमें निकालना है, ये तो नंबर है बेटा इसका कोई डायमेंशन नहीं, आई वन आई टू इसका ए स्क्वायर डी का एल और साथ में ये भी है, क्यों बोलो न्यू नॉट अपनी है आई वन आई टू और क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन डी एल, ये भी है एल से एल क्या होगा कैंसिल, ठीक। अब इस ए स्क्वायर को बदल लिया, इस ए स्क्वायर को बदल लिया, ठीक रहेगा कि नहीं आ जाएगा, ये आया म्यू नॉट इक्वल्स टू और ये हो जाएगा एम एल सॉरी हाँ एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू इधर आ गया, ये क्या हो गया बोलो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये डायमेंशन हमारा म्यू नॉट का हो। नोट कर लीजिए हो गया, यहां पर फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, ये ए की पावर माइनस टू इधर आ गया, डिस्टेंस और लेंथ ये दोनों कैंसिल। अच्छा एक बात और याद रखिए, अभी नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, नीट में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन क्या आया था डायमेंशन में, देखिए क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था नीट में, क्वेश्चन ये था इसमें कि म्यू नॉट एप्साइलन नॉट की पावर वन बाई टू का डायमेंशन पूछ रहा था, ठीक है, किसका डायमेंशन पूछ रहा था, ये म्यू नॉट एप्साइलन नॉट की पावर वन बाई टू का डायमेंशन पूछ रहा, ओके। म्यू नॉट एप्साइलन नॉट का जो डायमेंशन है पावर वन बाई टू का ये पूछ रहा। अब देखो एक तरीका लिखिए म्यू नॉट का लिखे एप्साइलन नॉट का लिखे रूट लगा दिया जाए, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन, ये सी क्या है ये सी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, ओके स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। अब यहां से देखो क्या होगा, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है ये आएगा देखो सी, सी का डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी होता है बेटा एल टी माइनस वन, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन हो गया वन अपॉन, ठीक है ना, तो यहां से क्या मिलेगा इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्साइलन नॉट की पावर है माइनस वन बाई टू, अगर ऊपर ले गए तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी माइनस वन बाई टू आएगी, क्यों अब वो पूछ रहा है प्लस वन बाई टू तो क्या करोगे इसको पलट दो और है ना, तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस वन टी प्लस का म्यू नॉट एप्साइलन नॉट की पावर वन,
ओके, अगर आपको किसका लेना है, इसका डायमेंशन लेना है प्लस वन बाई टू का, तो ये आ जाएगा एल माइनस वन इंटू टी। क्या पूछा गया तुमसे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछ रहा है पावर वन बाई टू। हमने क्या निकाला, हमने निकाला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर वन बाई टू, माइनस में पलट दिया तो प्लस में, तो ये डायमेंशन हो गया इसका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर वन। तो कुछ समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा, ये जो है क्वेश्चन था नीट का। अब इसके बाद ये हमने पहला सेगमेंट कराया आपको, कौन सा सेगमेंट, डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज। कोई अननोन क्वांटिटी है उसका, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम आपको पता है, फॉर्मूला पता है, डायमेंशन निकाल दिया। अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, अननोन मतलब जिसका आपको पता ही नहीं है, ठीक है। चलो याद रखो, दूसरा जो सेगमेंट है वो है डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटीज, ओके, डायमेंशंस ऑफ अननोन। इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, कुछ रूल्स हैं। कैसे, जैसे एक रूल हमारे पास है एलएचएस का जो डायमेंशन है वो आरएचएस के बराबर है, ओके, एलएचएस का डायमेंशन किसके बराबर है, आरएचएस। दूसरा रूल क्या है, बोलो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है कि जैसे ए प्लस बी लिखा है या ए माइनस बी लिखा है, तो ये तभी हो सकता है जब a और b के डायमेंशन क्या है, सेम। पहला रूल क्या है, कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण लिखा है, इक्वेशन लिखी है, LHS का डायमेंशन किसके बराबर होगा, RHS। a plus b या a minus b लिखा है तो a और b आपस में बराबर होंगे, a और b का जो डायमेंशन है वो आपस में बराबर होगा, a और b का डायमेंशन आपस में बराबर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। तो LHS का डायमेंशन RHS इक्वल है, A और B का डायमेंशन A माइनस B में भी वही है दोनों का। ये जो दूसरा वाला आपने देखा है ना, इसको जानते क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है होमोजीनियटी प्रिंसिपल, इसको कहा जाता है होमोजीनियटी प्रिंसिपल, ओके, क्या कहा जाता है इसको, होमोजीनियटी प्रिंसिपल। तीसरा देखो, थर्ड क्या है कि इफ अ क्वांटिटी इज प्लेस्ड विद अ मैथमेटिकल फंक्शन, ओके, सुनिए, इफ अ क्वांटिटी इज प्लेस्ड विद अ मैथमेटिकल फंक्शन देन इट इज डायमेंशनलेस। ये क्वांटिटी कैसी होती है, डायमेंशनलेस, समझिए, अगर कोई क्वांटिटी किसी मैथमेटिकल फंक्शन के साथ लिखी है तो वो डायमेंशनलेस। बात को समझिए, अगर कोई क्वांटिटी किसी मैथमेटिकल फंक्शन के साथ लिखी है तो वो डायमेंशनलेस होती है। अब आप कहोगे सर ये मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, तो मैं बताता हूं, लॉग ई साइन कॉस टेन, इनके उल्टे भी होते हैं, लॉग एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये जितने भी एक्स हैं ये सारे के सारे डायमेंशनलेस, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस, ओके, डायमेंशन लेस होने का मतलब जानते हो क्या होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। डायमेंशन लेस होने का क्या मतलब होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ओके, ये कौन है, लॉग एक्स ई टू, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शन आप जो देख रहे हैं इनके साथ कुछ भी लिखा हो ये डायमेंशन लेस होते हैं, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं। बात को समझ में आ रही है,
ठीक। तो ये आपका x की बात हो रही है, जितने भी x देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जितने भी आप x देखेंगे ये सारे के सारे x जो हैं dimensionless हो जाएंगे, all the x's will be dimensionless। आया समझ में कि नहीं आया? log x to the power x sin x cos x tan x, ये जितने भी x होंगे ये सारे के सारे dimensionless। आ रहा है एग्जांपल? चलिए तो ये आपको मैंने रूल बताया। अब आइए एक पर एक दो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन है जो आए हुए हैं नीट में और जेई में। जैसे एक क्वेश्चन हमें दिख रहा था, फोर्स दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा रूट डी, ठीक। यहां पर एफ क्या है? फोर्स है, और डी क्या है? डेंसिटी है, ओके। अल्फा बीटा इनका डायमेंशन पूछ रहा है क्या होगा, अल्फा का और बीटा। नोट करें, अल्फा और बीटा का डायमेंशन, ओके, एफ इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट डी। ये हमारा जो है एफ इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा रूट डी। अब देखो बीटा का एडिशन किसके साथ हो रहा है? रूट डी के साथ हो रहा है। बीटा का एडिशन किसके साथ हो रहा है? रूट डी के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बीटा है उसका डायमेंशन किससे मैच करेगा? रूट डी से मैच करेगा, ओके। बीटा का जो डायमेंशन है वो किससे मैच करेगा? बोलो, रूट डी से मैच करेगा। यहां देखो बीटा का लेना है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री, रूट है तो पावर 1/2। तो यहां से क्या मिलेगा? बीटा इक्वल्स टू एम की पावर 1/2 एल की पावर माइनस 3/2। ये वैल्यू नोट करिए। ये आपका जो है बीटा का निकला है, बीटा और रूट डी का एडिशन हो रहा है। एडिशन में डायमेंशन सेम होता है, इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहा जाता है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए अल्फा का कैसे निकालेंगे, तो देखना यहां पर क्या हो रहा है कि जो फोर्स है ये एलएचएस में, ये लोग आरएचएस में, तो जो फोर्स का डायमेंशन है वो किससे मैच करेगा? बोलो, अल्फा से करेगा। जो फोर्स का डायमेंशन है वो अल्फा से मैच करेगा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। जो फोर्स का डायमेंशन है वो अल्फा से मैच करेगा, क्यों? अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी अल्फा अपॉन बीटा। बीटा और डी रूट डी का तो सेम है, बीटा और रूट डी का क्या है? सेम। तो इसको तो आप लिखो या इसको लिखो, बात वही है। अल्फा ऊपर तो अल्फा अपॉन बीटा, एफ का डायमेंशन किसके इक्वल है? अल्फा अपॉन बीटा। अब देखो यहां से अगर हम लोग अल्फा का निकालें डायमेंशन तो क्या मिलेगा भाई? एफ इंटू बीटा। क्या मिला देखो? अल्फा इक्वल्स फोर्स होता है एम एल टी माइनस, और बीटा कितना है? एम की पावर 1/2 एल की पावर माइनस 3/2। क्या मिला यहां से? एम की पावर 3/2 एल की पावर, यहां 1 यहां माइनस 3/2 तो माइनस 1/2 और टी की पावर माइनस 2, तो ये अल्फा, ये एल की पावर है बोलो 3/2, यहां से 1 यहां से 1/2 एल की पावर, यहां 1 यहां माइनस 3/2 और ये टी की पावर माइनस 2। तो ये डायमेंशन किसका हो गया? अल्फा का हो गया, और ये डायमेंशन किसका हो गया? बीटा का हो गया, ओके। तो ऐसे निकाल, किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो तो मैंने 3 रूल बताए, ओके। कितने रूल बताए? 3 बताए हैं, और उन तीनों में से जो इस्तेमाल हो उसको लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? कोई भी आप रूल लगाइए, उसमें कोई परेशानी नहीं, ये नहीं किया इसको नोट। अल्फा और बीटा का डायमेंशन ये पूछो।
ओके एक क्वेश्चन और, ठीक है एक क्वेश्चन और किया है बेटा, क्या है यार एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है देखो यार कि Q का फॉर्मूला होता है Q नॉट वन माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन आर सी, ये पर ये चार्ज होता है और R क्या है रेजिस्टेंस है और C क्या है कैपेसिटेंस, ठीक ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है। अब यहां पर ऊपर x लिखा है, इस x का डायमेंशन पूछा जा रहा है, ये ऊपर इसमें क्या लिखा हुआ है x लिखा है तो x का डायमेंशन पूछा है, ठीक ये e क्या है जानते हो, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो e होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रहेगा e टू दी पावर माइनस x अपॉन आर सी, तो ये e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सुनो ध्यान से, देखो मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर कुछ भी लिखा हो, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा ये डायमेंशनलेस होगा, ये डायमेंशनलेस होगा पूरा का पूरा, याद रहेगा ये कंप्लीटली डायमेंशनलेस होगा, क्यों कौन सा फंक्शन है ये मैथमेटिकल x अपॉन आर सी, ओके तो यहां से x अपॉन आर सी जो है ये m की पावर जीरो l की पावर जीरो t की पावर जीरो ये वन हुआ कि नहीं, तो यहां से क्या मिला बताओ, यहां से मिल गया x का जो डायमेंशन है वो RC से मैच करेगा, ओके x का डायमेंशन किससे मैच करेगा RC, तो यहां से क्या हुआ x का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, क्यों अभी मैंने बोला था RC का डायमेंशन किसके बराबर होता है बोलो टाइम के बराबर होता है, तो यहां से क्या मिला x का डायमेंशन RC के बराबर है तो RC किसकी इक्वल टाइम के, तो यहां पर कौन सा डायमेंशन है बेटा टाइम, नोट कर लीजिए इसको, रूल कौन सा तीसरे नंबर का रूल है, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के बाद कुछ भी लिखा हो तो वो डायमेंशन लेस होता है, ओके किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के बाद कुछ भी लिखा हो तो वो डायमेंशन लेस होता है, इट इज ऑलवेज डायमेंशन बेटा, तो समझ में आया ये रूल्स आपको मैंने जो बताया क्लियर हुआ है, इसके बाद जो है अगला इसमें आपको समझना है नेक्स्ट क्या है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, ओके डायमेंशन के तीन एप्लीकेशन है, पहला टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ओके दूसरा टू डिराइव अननोन इक्वेशन, ओके और तीसरा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होना ये, ठीक है पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, दूसरा है टू डिराइव अननोन इक्वेशन या अननोन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, और तीसरा क्या है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर, तो तीन, लेकिन मैं आपको बताऊं केवल इसकी बात करूं तो इसमें केवल एक बार क्वेश्चन आया है आज तक, ओनली वन टाइम एक बार केवल क्वेश्चन आया है, ठीक है इस पर क्वेश्चन जो है बहुत रेयर मिलेंगे, ठीक है ना, इसका हालांकि रूल अभी आपको मैंने बताया था एलएचएस का डायमेंशन किसकी इक्वल होता है आरएचएस, ये वही है वही रूल यहां लगना,
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिराइव अनोन इक्वेशन ऑफ ए फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, क्लियर है। तो मेन एप्लीकेशन सेकेंड वाला है। अगर देखा जाए तो जो मेन एप्लीकेशन होता है वो सेकेंड वाला होता है, ये सेकेंड एप्लीकेशन मेन होता है। ओके, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, सेकेंड वाली एप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा। ओके, इस पर सीधे मैं एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, सेकेंड वाले पर मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करूंगा। जस्ट एक एग्जाम्पल देखिए, इफ एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी, कौन कौन सा, एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्वेश्चन सुनिए, एरिया वेलोसिटी डेंसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या पूछ रहा है, देन डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स का डायमेंशन पूछ रहा है। अब सुनो, यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज की, वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन इसने चेंज कर दिया, एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी। वैसे आपको बताएं एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम एम एल माइनस वन, ये डायमेंशन होते हैं। अब ये पूछ किसका डायमेंशन रहा है, बोलो फोर्स। तो एक काम करिएगा आप, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स, वी की पावर वाई और डी की पावर जेड, ये लिख दी, या ये लिख सकते हैं कि जो एफ का डायमेंशन है वो ए की पावर एक्स, वी की पावर वाई और डी की पावर जेड के बराबर हो, नहीं लिख सकते, क्लियर हो रहा है। एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, डी की पावर जेड, ये हो जाए। अब देखो यहां से एफ का क्या डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू, ये क्या हो गया, ए की पावर एक्स, तो ये आया एल स्क्वायर, ओके की पावर एक्स एरिया, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन की पावर वाई और डेंसिटी है एम एल माइनस थ्री की पावर जेड, नोट करिए। डायमेंशन किसका पूछ रहा है, फोर्स का। तो हमने क्या किया, सेकेंड एप्लीकेशन, फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी, एक्स वाई जेड हम लोगों ने अपनी तरफ से वेरिएबल ले लिए। फिर देखो एफ का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, डेंसिटी का एम एल माइनस थ्री, ये। अब यहां से देखो क्या मिला, ये आएगा एम एल टी माइनस टू इक्वल्स एम कितना है, एम की पावर जेड, ये एम की पावर जेड, एल की पावर, देखना एल की पावर यहां से 2x, यहां से y और यहां से माइनस थ्री जेड, तो एल की पावर हो गई 2x, फिर y और फिर क्या है माइनस थ्री जेड। ओके, क्या क्या मिला यहां से 2x माइनस वाई, सॉरी प्लस y और यहां से माइनस थ्री जेड, और t की पावर क्या है, t की पावर यहां से है माइनस वाई और कुछ नहीं, तो जो t की पावर है वो है माइनस वन, ये। ओके, अब क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करेंगे, यहां पर एम की पावर वन है तो जेड इक्वल टू वन। ओके, ये देखो क्या लिखा है, टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू, यहां पर वन है। ओके, फिर देखो माइनस वाई, माइनस वाई और यहां पर क्या लिखा है, बोलो माइनस टू, क्लियर है, यहां पर क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है हमारा माइनस टू, सॉरी वाई है ना, वाई सेकेंड वाली को इसकी ये करो, एम की पावर जेड हो गया, टी की पावर माइनस वाई है और यहां ऐसे माइनस टू। देखो फिर से देखो क्या क्या आया आंसर, एल एम की पावर कितनी जेड, एम की पावर हो गई जेड, एल की पावर कितनी टू एक्स, यहां पर हो गया टू एक्स, फिर एल की पावर यहां से वन वाई, और फिर यहां से एल की पावर माइनस थ्री जेड, टी टी की पावर यहां से माइनस वन। तो क्या मिला यहां से कंपेयर करो, जेड इज इक्वल टू वन, एल की पावर कितनी इतनी है ये वन, टी की पावर माइनस टू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई हो गया टू। ओके अब देखो जेड हो गया वन, ये दोनों भागा इसमें रखो तो क्या मिलेगा टू एक्स प्लस वाई, वाई हो गया टू। ओके माइनस थ्री जेड, तो ये आएगा माइनस थ्री इक्वल्स टू वन। ओके तो यहां से क्या मिला टू एक्स, ओके टू एक्स और ये कितना हो गया बताओ माइनस वन, उधर जाकर के हो जाएगा कितना बोलो माइनस वन है प्लस वन टू, तो एक्स इक्वल्स टू वन, नोट करिए। ओके नोट किए, फिर से देखो यहां पर एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी तीन को फंडामेंटल क्वांटिटीज लेना था, तो हमने क्या किया बताओ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड समझ लें, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, डी की पावर जेड, एफ का जो डायमेंशन है यहां कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, तो यहां पर एफ ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, डी की पावर जेड, फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया, सारे पावर कंबाइन करके कंपेयर किए। अब देखिए जो वैल्यू आई उनको उठाकर इसमें रख, जो भी वैल्यू आपको मिल रही है उनको उठा करके इसमें रख, ये देखिए क्या मिला यहां से एफ का जो डायमेंशन है ये मिल जाएगा ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स कितना है वन, वी की पावर, वी की पावर ये आ जाएगा टू, और जेड किसकी पावर है डी, तो डी का हो गया, तो ये आपका फोर्स का डायमेंशन। आ रहा समझ में आपको, तो आज मैंने आपको क्या रिवाइज कराया, जनरल फिजिक्स का पहला पार्ट, पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया है यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बाद छोटा सा पोर्शन एरर का है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करा करके और वेक्टर्स का रिविजन करा देंगे। ओके और एक क्वेश्चन आपको इंस्ट्रूमेंट का एक दो करा देंगे ताकि आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज। ओके तो आप अपना रिवाइज करना शुरू करिए, टच में रहिए, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, फ्री टू आस्क, कुछ भी पूछिए। ओके बाय।